काटाफोड़ विद्युत वितरण केंद्र पर गोदना, सिंगोड़ी, तावड़ी, चोरवा, कांडा, भाईली और बेदागढ़ के किसानों ने पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे क्षेत्र में बिजली मोटर चलने हेतु पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल रहा है। दिन में बिजली बंद रहती है, रात्रि में भी बिजली 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बिजली आकर बंद हो जाती है। वोल्टेज नहीं मिलने के कारण हम पानी की मोटर को चला नहीं पा रहे हैं, जिससे हमारे खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। कई खेतों में फसल की बोवनी नहीं हो पाई है। जहां बोवनी हो गई है वहां फसल सूखने की स्थिति में है। वोल्टेज की कमी और बिजली कटौती के कारण मात्र 1 से 2 घंटे ही बिजली आती है। ग्रामीणों ने कहा कि हमें निरंतर 10 घंटे बिजली प्रदाय करने हेतु कलेक्टर के नाम काटाफोड़ विद्युत वितरण केंद्र प्रभारी DS परिहार को ज्ञापन दिया। सतवा से जीतू सिंह की रिपोर्ट। सुपरवाइजर महोदय, विद्युत वितरण केंद्र काटाफोड़ ग्राम गोदना, सिंगोड़ी, ताकड़ी, चोरवा, कांगड़ी, कांगड़ा, भाईली व बेरागड़ा में वोल्टेज नहीं मिलने के कारण से मोटर नहीं चलने से खेतों में सिंचाई नहीं होने वाला। महोदय, उपरोक्त विषय में हम ग्राम गोदना, सिंगोड़ी, ताकड़ी, चोरवा, कांगड़ा, भाईली व बेरागड़ा के किसान निवेदन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली मोटर चलने हेतु पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल रहा है। दिन में बिजली बंद रहती है, रात्रि में भी बिजली 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आती है और बंद हो जाती है। वोल्टेज नहीं मिलने के कारण हम मोटर को चला नहीं पा रहे हैं, जिससे हमारे खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। कई खेतों में फसल की बोवनी नहीं हो पाई है। जहां बोवनी हो गई है वो फसल सूखने की स्थिति में है। वोल्टेज की कमी व बिजली कटौती के कारण मात्र 1 से 2 घंटे ही बिजली आती है। महोदय से निवेदन है कि हमें निरंतर 10 घंटे बिजली प्रदाय करने हेतु वोल्टेज में सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत है। अगले 2 दिवस में व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बिजली विभाग के सामने धरना आंदोलन करने के लिए किसान मजबूर होंगे। तो आपसे निवेदन है सर, इसमें आप जहाँ तक उम्मीद है कि आप हमेशा सहयोग करते आए हैं और आज अपने जो सिंगोड़ी, गोदना, कांगड़ा, भाईली, चोरवा इस सेक्टर के किसानों द्वारा कम वोल्टेज की समस्या से लेकर यहाँ पे मुझे अवगत कराया है और कार्यपालन मंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है। और मौके पे भी जाके मेरे द्वारा कुछ जगह पे जहाँ ज़्यादा समस्या आ रही है उसको चेक भी करके मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ और इसमें संभवतः कल से जो शिफ्ट आनी है उसमें सुधार के मुझे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा भी निर्देश और आश्वासन दिया है। इसमें कल तक की जहां तक मुझे संभावना लग रही है कल से वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।